अयोध्या मामले में आए फैसले को लेकर पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। इसको लेकर आज पानीपत में लघु सचिवालय में उपायुक्त सुमेघा कटारिया व पुलिस कप्तान सुमित कुमार ने सर्वधर्म संगठन की एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पानीपत के सभी धर्मों के लोगों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहाँ पे ना केवल सचिव की राजी करे, उस व्यक्ति की तुरंत सूचना आपने पुलिस को दे दी है, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो पता चला है और आपको भी गांव से मेरा मोबाइल नंबर है आप लोगों के साथ, आपने मेरा मोबाइल पर संपर्क में रहना है, कोई भी बात हो अपने एरिया के एसएचओ से उनसे बता के रखें। जिम्मेदारी समझनी है और इस सभा कक्ष में जितने भी लोग मौजूद हैं, आपकी जिम्मेदारी आपकी व्यक्तिगत तो है ही है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी बतौर सारे एरिया को संभालने की, वहां अगर कोई भी ऐसी घटना आपके नोटिस में आती है जो आपको लगता है प्रशासन को बतानी चाहिए, आप भी पर इमीडिएटली अरेस्ट होगी, इमीडिएटली उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे और पुलिस को कहीं भी अगर बल प्रयोग करना पड़ा या सख्ती करनी पड़ी तो ये मैसेज आपके थ्रू में नीचे। आदरणीय डिप्टी कमिश्नर पानीपत, मेरे साथ मंच पर बैठे सभी मेरे साथी प्रदेश के अधिकारियों से डिपार्टमेंट के अधिकारियों, और आज मैं समझता हूं कि प्रशासन जिनको ये समझता है कि शहर के वो सारे जिम्मेदार आदमी जो हमेशा से किसी भी शांति खराब हो सकती है तुरंत कृपया करके उसकी सूचना अपने संबंधित पुलिस थाना अधिकारी को दे, आपके संबंधित डीएसपी साहब को दें, आपके संबंधित सिविल ऑफिसर साहब को दें। मैं और डिप्टी कमिश्नर मैडम भी हमेशा आपके साथ लेवल पे, आप इंफॉर्मेशन को शेयर करने से परहेज ना करें। नंबर दो, कोई भी व्यक्ति, मैं रिपीट कर रहा हूं कि सोशल मीडिया ग्रुप है, सोशल मीडिया ग्रुप कौन कौन से होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, तो वो व्यक्ति सारे समाज का दुश्मन है, कानून को उनसे निपटे में निपटेगा। आप ये मान के चलिए आप लोगों के सहयोग से हमें उस आदमी का इमीडिएटली बहिष्कार करना है, सामाजिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। मैं इसी उम्मीद के साथ एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे रात को बहुत लेट हमने डिसाइड किया कि मीटिंग सुधार बहुत कर देते हैं, और आप लोग सभी हमारे एक रिक्वेस्ट किया, हमने शांति कमेटी की, अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई है, इसमें हर समुदाय के, हर धार्मिक अदारे के और गैर सरकारी संस्थानों के सभी हमारे अधिकारीगण भी इसमें पूरी तरह से उपस्थित थे, और इस बैठक को इसीलिए बुलाया गया कि जो 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, उस दृष्टिकोण से शहर में अमन शांति किसी भी तरह भंग ना हो, उस सब में हम सबका दायित्व है। प्रशासन पूरी तरह से, प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हम ये पुरजोर उम्मीद करते हैं कि पानीपत के भूमि जो है वो धार्मिक सौहार्द की भूमि है, जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ शोभा यात्राएं निकालते हैं, सभी एक दूसरे के स्थानों पे जाते हैं, दृष्टिकोण से यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी गैर जिम्मेवारी के साथ पेश ना आए, सोशल मीडिया में कोई गैर जिम्मेवारी कमेंट इत्यादि पे वो पोस्ट ना किया जाए, और इस दृष्टिकोण से सामाजिक समरसता और सौहार्द और शांति पूरी तरह से वो व्यवस्थित ढंग से चलता रहे, हमारे पानीपत का जो जीवन है, इस दृष्टिकोण से सबको आग्रह भी किया गया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सभी धार्मिक अदारों के प्रतिनिधियों ने, हमारे पार्षदगण ने, हमारे सरपंचों ने पूरी तरह से हमें आश्वस्त किया है कि ऐसा वो कुछ भी होने नहीं देंगे, जिससे हमारे जिला का जो पहचान है, हमारी शांति और सौहार्द और धार्मिक समरसता, उस पर कोई आंच है। फैसला प्रशासन की नजर रहेगी। पटाखों पे पूरी तरह से पाबंदी है ही, और डीजे और कोई भी इस तरह का शोरगुल करने वाला, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, और हमने सभी को ये आग्रह भी किया है कि किसी भी तरह की कोई भी गैर जिम्मेवारी के साथ कोई, ये कोई सेलिब्रेशन की तो किसी की बात ही नहीं है, ये एक निर्णय है जिसको जो देश के लिए निर्णय होने जा रहा है, उसमें कोई हार और जीत की बात नहीं है, और इस तरह का कोई भी, किसी भी व्यक्ति को कोई इजाज़त नहीं होगी कि वो कोई
उकसाने के दृष्टिकोण से कुछ सेलिब्रेशन इत्यादि करे, ऐसा हम नहीं मानेंगे। जिले में सभी धर्मों के सभी समुदाय के लोगों को आज यहाँ पे एक बतौर के लिए आग्रह किया था, जिसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और सभी धर्मों के समुदाय के लोगों ने इस बात पे पूरी आस्था जताई है कि किसी भी तरीके से कोई भी जजमेंट आने पे कोई भी शांति पानी पर खराब नहीं होगी। सारे जिम्मेदार लोग शहर के मौजूद लोग हैं, आज यहाँ पर मौजूद थे और हर किसी ने अपने एरिया की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है कि ना केवल अपने एरिया में शांति बनाए रखेंगे बल्कि अगर कोई व्यक्ति शांति को खराब करने की कोशिश करता है तो तुरंत उसके बारे में सूचना पुलिस को देंगे। मैं आपके माध्यम से आम जन को भी दो बातें बताना चाहता हूँ। एक, किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन ना करें, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का ऐसा दुष्प्रचार करने का प्रयास ना करें या कोई भी ऐसी अफवाह जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है उसको आगे ना फैलाएं। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार करने वालों को ना केवल पुलिस मॉनिटर कर रही है बल्कि उनके खिलाफ बहुत सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। जो भी व्यक्ति से कार्य संलिप्त होगा उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और इमीडिएट उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति शहर में अगर किसी तरह की शांति फैलाने का प्रयास करेगा, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेगा तो पुलिस बहुत ही सख्ती से साथ उसके साथ पेश आएगी। ना केवल पुलिस उचित बल का प्रयोग करके उसको तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी बल्कि मुकदमा दर्ज करके उस आदमी को इमीडिएटली हवालात में भी भेजेंगी। मैं आप लोगों के माध्यम से आम जन को यही अपील करता हूं कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे प्रदेश में जिससे जिले में शांति व्यवस्था बिगड़ने के हालात पैदा हों, ऐसे में उसको रोकने के लिए पुलिस की प्रशासन की मदद करें। दूसरा, आज शादी का दिन है, दो तीन दिन लगातार शादियों के सीजन है, इस दौरान बहुत लोग आतिशबाजी पटाखे लाते हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि वैसे भी NCR में पटाखों पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है तो कोई भी व्यक्ति आज कल और आने वाले इन दिनों में आतिशबाजी का प्रयोग ना करें, इससे अननेसेसरी लोगों के मन में दूसरे विचार जाते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं DJ के ऊपर और ये आतिशबाजी करने वालों लोगों के ऊपर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पूर्ण तरह से प्रतिबंध है, अगर वो लोग किसी तरह की आतिशबाजी में संलिप्त होंगे पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर पुलिस फोर्स अवेलेबल है, करीब 2000 के करीब पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध है, उसके अलावा बाहर से भी आज हमारे पास रात को पुलिस हेडक्वार्टर से हमें एक्स्ट्रा पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जिस तरह से पानीपत जिले का माहौल है और जिस तरह पानीपत पुलिस का इतिहास रहा है, पानीपत जिले का इतिहास रहा है कि लोगों ने हमेशा एक दूसरे के साथ बड़े प्यार और सौहार्द के साथ कभी भी किसी तरह के अफवाह पर ध्यान न दे के यहाँ पर शांति बनाए रखी है, इस बार भी जो भी लोग हमारे साथ यहाँ पे थे और जो हमारे पास इस वक्त साथ हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं और आपके माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी इस बार भी इस चैलेंजिंग सिचुएशन में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जिले में शांति बनाए रखने में सहयोग देंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।